लोकसभा चुनाव का रण सफर चल रहा है। तमाम प्रत्याशी अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सीतापुर की संसदीय क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अरुणा कोरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने कामों के वादों को पूरा करने की बात कही। वहीं पर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। किसानों के का ऋण माफ़ी होगा, तेल तक पानी आएगा, ये हमारे राष्ट्रीय दिन को जो भी गांव के बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर के पैसे आगे बढ़े, अगर मिश्रित की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मिश्रित लोकसभा की जनता आपको सुन के दिल्ली भेजती है तो आप उसके वादों पर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, मिश्रित लोकसभा क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जब से क्षेत्र में आई हूँ उन्होंने मुझे स्वीकारा है और जनता हमारे साथ हर धर्म हर वर्ग के लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से आज जनता हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ में, उसी तरह से कि हमारी जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारे लोहिया जी के जो भी विचार हैं हम उन्हीं विचारों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के काम में उनके साथ में सुख में शामिल होकर के उनके वादों पे खरा उतरने। मैडम, आपके लोकसभा मिश्रित क्षेत्र में आप दौरा किए हैं, जनता के बीच में आप गए रूबरू हुए, आखिर बीजेपी सरकार ने 5 साल में क्या काम हुआ जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए और जो जनता आज भी तराई कर रही है, जिस तरीके से सड़कें नहीं है गांव में, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, आदि लोग खुले महसूस कर रहे हैं क्योंकि लगातार दावे कर रहे हैं कि शौच के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि यहाँ टॉयलेट्स बन रहे हैं, तो इस तरीके की क्या क्या आपको अभी तक जगह तो ऐसी है जहाँ पे पानी भर जाए तो गाड़ी तो दूर आदमी भी चल पाएगा, तो इस तरह से बहुत सारी खामियाँ हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं उस तरह से मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला है। झूठे और लोग लुभावने वादों के अलावा यहाँ पर मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। आज जनता भी उनसे